हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। और मैं हूँ अपने प्यारे से दोस्तों की प्यारी सी फ्रेंड प्राची। और आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ इंस्टेंट मावे की रेसिपी फ्रेंड्स, क्योंकि होली आने वाली है। और होली हो चाहे दिवाली, हम अपने घर में स्वीट्स तो बनाते हैं, और कोई भी स्वीट्स बनाए हमें मावे की ज़रूरत होती है। तो सोचा क्यों ना आज आप लोगों के साथ इंस्टेंट मावे की रेसिपी शेयर करूँ, जो बिल्कुल 3 मिनट में बन जाता है, जो कि मैं बनाऊँगी मिल्क पाउडर से। तो चलिए देखते हैं इंस्टेंट मावा बनाने के लिए हमें क्या क्या चाहिए। यहाँ पर मैंने लिया है 1 कप मिल्क पाउडर, जो कि 1 कप से थोड़ा कम है, 100 ग्राम के करीब मिल्क पाउडर है ये। और ये है 1/2 कप ऑफ मिल्क। मिल्क पाउडर आप कोई भी कंपनी का यूज़ ले सकते हैं। ये है 4 टेबल स्पून शुद्ध घी। आप चाहें तो आप बटर भी यूज़ ले सकते हैं। अब सबसे पहले हम क्या करेंगे, गैस पर एक नॉन स्टिक कढ़ाई या पेन चढ़ाएंगे और उसमें हमारा जो मिल्क था उसे डाल देंगे। ये देखिए, दूध को हमें गरम नहीं करना है। अब हमें डाल देना है 4 टेबल स्पून यानी कि 4 टेबल स्पून घी, और इसे हमें गरम नहीं करना है, ओनली बस मिक्स करके घी मेल्ट हो जाएगा तब तक हमें इसे चलाना है। ये देखिए हमारा घी जो है मेल्ट हो चुका है। अब मैं इसमें अपना मिल्क पाउडर डाल दूँगी और इसे फटाफट से चलाते हुए, लगातार चलाते हुए इसे मिक्स कर लेंगे। इस स्टेज पे हमें गैस की जो फ्लेम है वो बिल्कुल सिम रखनी है, सिम फ्लेम पे, लो फ्लेम पे हमें इसे पकाना है। ये देखिए, ध्यान रहे कि कोई भी लम्स ना पड़े, कोई गुठली ना पड़े इसमें। ये देखिए, अब जो हमारा मावा है वो थिक होना स्टार्ट हो गया है। इसे हमें लगातार चलाना है और इसे हमें नॉन स्टिक पैन या कढ़ाई पर ही बनाना है, ताकि ये नीचे लगे नहीं। तो ये देखिए, मैं इसे चलाते हुए पका रही हूँ। ये देखिए हमारा मावा जो है ठीक होना स्टार्ट हो गया है। इसे हमें लगातार ही चलाना है, और इस स्टेज पे जो है हम थोड़ी सी जो गैस की फ्लेम है उसे मीडियम में कर देंगे और इसे लगातार चलाते हुए पकाएंगे। ये देखिए, ये देखिए हमारा मावा जो है वो ठीक हो गया है। और अब हम इसे ओनली 30 या 40 सेकंड के लिए और पकाएंगे। 30 या 40 सेकंड और हमें इसे रोस्ट करना है। ये देखिए हमारा मावा जो है बिल्कुल तैयार हो चुका है। तो अब हम गैस को कर देंगे ऑफ और इसे एक बाउल में निकाल लेंगे। ये देखिए, मैंने मावे को बाउल में निकाल लिया। ये अभी गर्म है इसलिए ये लिक्विड फॉर्म में लग रहा है। जब हम इसे फ्रिज में रख देंगे और ये ठंडा हो जाएगा तो ये बिल्कुल मार्केट के जैसा मावा बनके तैयार हो जाएगा। ये देखिए, थोड़ी ही देर में ये मार्केट जैसा मावा बनके तैयार हो गया है। 1 कप मिल्क पाउडर यानी कि 100 ग्राम मिल्क पाउडर में आपका 250 या 260 ग्राम मावा बनके तैयार हो जाएगा। ये देखिए मावा कितना अच्छा बना है। तो अगर आपको मेरी ये रेसिपी पसंद आई हो तो इसे लाइक और शेयर करना ना भूलें, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना।